समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल के जाने से परिवार में इतना हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सपाइयों का इस तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाना, इससे सपा को और झटका लग रहा है। क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां सपा को मजबूत होना चाहिए, तो वहीं एक से बढ़कर एक नेता सपा का साथ छोड़ शिवपाल की प्रगतिशील में शामिल हो रहे हैं। तो इन सबके बीच एक बार फिर सपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बहराइच जिले में सपा नेता जिला पंचायत सदस्य ने खुद को अपनी ही लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मार ली। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला पंचायत सदस्य संजय वाल्मीकि उर्फ शेबू ने बीती 14 नवंबर रात को खुद को गोली मारी। बताते चलें कि वह 4 बार सपा के विधायक रह चुके हैं। शब्बीर वाल्मीकि के सबसे बड़े पुत्र थे और दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। किसे पता था कि पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के बाद संजय इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। वहीं आपको बता दें कि गोली मारने की अभी वजह सामने नहीं आ पाई कि आखिर किस कारण शब्बू ने अपने आप को गोली मारी है। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।